हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एकी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्सों का कहना था कि सर एक ऐसी वीडियो लेकर आइए इंग्लिश में जो लेसन नंबर वन है ए लेटर टू वर्ड, कि हमें कुछ बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो बताएं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं आज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इससे पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो है वो आपको समय तक पहुँच जाएगी। और एक बात तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आज तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आप जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर वन ए लेटर टू गॉड के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। नंबर वन, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितने पैसे प्राप्त हुए। आंसर, लेंचो नीडिड 100 pieces, लेंचो को 100 pieces की आवश्यकता थी। ही गॉट ओनली 70 pieces, और उसे केवल 70 pieces ही मिले। क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, डाकिया लेंचो के पत्र पर क्यों हंसा। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर, डाकिया लेंचो के पत्र पर हंसा बिकॉज, क्योंकि ही स्टार्टेड कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, क्योंकि लेंचो ने भगवान के साथ लिखा पढ़ी, मतलब पत्रचार, पत्र लिखता था ना, पत्र लिखा था ना भगवान के साथ उसने, तो वो स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। लेंचो आस्क्ड गॉड, लेंचो ने भगवान से कहा टू सेंड द 30 pieces, कि जो 30 pieces बच रहे हैं वो मुझे भेज दो। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना करी नॉट टू सेंड इट थ्रो मेल, कि इन पैसों को डाक के द्वारा ना भेजे, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो डाकघर के कार्यकर्ता वर मतलब थे, ए ग्रुप ऑफ क्रूक्स, वो एक बेईमानों का समूह था, ये लेंचो के अनुसार था। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने गॉड मतलब भगवान से पैसों के लिए क्यों कहा। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, हु लिव्ड इन ए वैली, जो एक घाटी में रहता था। हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। देयर वॉज नो वन इन द वैली, और घाटी में कोई नहीं था हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकता था। दिस फोर्स्ड लेंचो, यही बात लेंचो को मजबूर कर गई थी टू सीक गॉड्स हेल्प, भगवान की सहायता लेने के लिए। फिफ्थ, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, उस घर का जो ओनर मालिक और खेत का जो मालिक वह कौन था। लेंचो वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, लेंचो खेत का मालिक और घर का मालिक था। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, जो लेंचो का घर था वह कहाँ पे स्थित था, कहाँ पे बसा हुआ था। द हाउस वॉज सेट, घर बसा हुआ था ऑन द क्रेस्ट निचले हिस्से में ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के, क्रेस्ट मतलब जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है ना स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं, निचली पहाड़ी के ऊपरे हिस्से पे बसा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।